जन पिछले विगत 11 वर्षों से हो रहा है और यह आयोजन विश्व कल्याण की कामना से और साथ में ही जो भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है, नाग पंचमी में एक ऐसा शुभ मुहूर्त होता है जिसमें राहु केतु जनित जो काल सर्प योग है उसकी शांति मानी गई है। इस दिन भगवान भूत भावन भगवान शिव का अभिषेक करने से निश्चय ही अनंत फलों की प्राप्ति होती है और विविध प्रकार के चीज़ों से अभिषेक का भी अन्य अन्य प्रकार का फल शास्त्रों में बताया गया है। दूध जो है मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है, सरसों तेल से अभिषेक भी यहाँ कुछ लोगों ने किया अपने शत्रुनाश के लिए, मधुरस और गन्ने के रस से अभिषेक लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है वह भी कुछ लोगों ने किया और अधिकतर लोगों ने दूध से अभिषेक किया। भगवान शिव के इस अभिषेक से निश्चय ही विश्व में आई हर विपदा दूर होगी और व्यक्ति दर्शन है वह सभी प्रकृति और जीवों के संरक्षण का दर्शन लेकर चलता है। इस तरह हम गोपा अष्टमी में गाय की पूजा करते हैं और नाग पंचमी में भगवान शिव के गले में पड़े हुए नागराज नाग की पूजा का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव की पूजा से निश्चय ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और आज यह आयोजन अंबिकापुर में सफल आयोजन के रूप में हम लोग हर वर्ष करते आए हैं और
बहुत सारे लोग इस पे जुड़ते हैं, दूर दूर से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और वाराणसी से, बनारस से भी पंडित जी लोग आते हैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को कराने। और यह आयोजन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से, वैदिक पूजा पाठ से, पार्थिव लिंग की स्थापना के बाद भगवान के अभिषेक से पूर्ण होता है।